क्या आप 10+2 दे चुके हैं और अभी कॉन्फ्यूज्ड है कौन सा कोर्स आप ज्वाइन करें, करियर किस में बनाएं? तो अगर आप नर्सिंग कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात किए नर्सिंग के क्या क्या कोर्सेज हो सकते हैं और आप कौन सा कोर्स में आपके लिए बहुत सूटेबल होंगे। तो सबसे पहले जो लोग 10+2 साइंस बैकग्राउंड से है, दैट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है, उन लोगों के लिए जो नर्सिंग का बेस्ट कोर्स है दैट इज़ BSc नर्सिंग, क्योंकि आप ही लोग होते हैं जो BSc नर्सिंग कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। जो स्टूडेंट 10+2 आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, लेकिन अगर आपका मन है नर्सिंग कोर्स करने का, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है GNM, दैट इज जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ये बहुत ही अच्छा कोर्स है, 3 साल का कोर्स है विथ इंटर्नशिप, जिसके साथ आपको एक अच्छे करियर बनाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इसके लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका एज 18-35 ईयर्स के बीच में होना चाहिए और आप 10+2 कोई भी बैकग्राउंड के साथ, दैट इज आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, आप GNM ज्वाइन कर सकते हैं। GNM बहुत सारा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कराया जाता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में ये कोर्स अवेलेबल है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में ज्वाइन करें तो आपका ट्यूशन फी बहुत ही कम होता है। अगर प्राइवेट कॉलेज में आप या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको लगभग 1.5 से 2.5 लाख के बीच में आपका टोटल कोर्स फी रहेंगे, जिसमें 3 साल का कोर्स होंगे। तो डेफिनेटली अगर आपको किसी कॉलेज के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट कीजिए, हम अपना आपके हिसाब से जो स्टेट वाइज आपका कॉलेज का नाम, प्राइवेट और गवर्नमेंट और दोनों में क्या क्या ट्यूशन फी होते हैं, इसके बारे में डिटेल्स हम वीडियो बनाएंगे, नीचे कमेंट जरूर करें। 3 साल का जो कोर्स होते हैं इसमें आपको अलग अलग जो सब्जेक्ट है आपको पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट ईयर में क्या सब्जेक्ट होंगे ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं, सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट भी स्क्रीन में हम दे रहे हैं और थर्ड ईयर का भी सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट आपको करने के बाद आपके हाथ में डिग्री आ जाते हैं यूनिवर्सिटी से, जो कि आप एक रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हैं। तो इसके साथ साथ आपका करियर अपॉर्चुनिटी क्या होगा इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, क्योंकि GNM या फिर कोई भी नर्सिंग कोर्स करने के पीछे जो रीज़न रहता है वो आपका फ्यूचर है। GNM करने के बाद आप कोई भी नर्सिंग होम, कोई भी हॉस्पिटल में एज ए नर्स आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आप एक रजिस्टर्ड नर्स हैं। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर सकते हैं, BSc नर्सिंग होता है, जो कि GNM के लिए ही होता है, क्योंकि 10+2 साइंस बैकग्राउंड जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली BSc नर्सिंग में जाते हैं, और आर्ट्स और कॉमर्स से जो लोग GNM किए हैं अभी उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है BSc नर्सिंग करने का, इसके बाद MSc नर्सिंग, और इसके बाद आप एकेडमिक करियर बना सकते हैं और हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और अदर इंस्टीट्यूट में काम करने के लिए GNM इज सफिशियंट। बहुत सारे इंस्टीट्यूट या फिर प्राइवेट कॉलेज में, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, GNM को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, इसलिए क्योंकि BSc नर्सिंग को थोड़ा सा पैसा ज़्यादा देना पड़ता है और थोड़ा सा कम पैसा में GNM का इक्विपमेंट हो जाता है। तो डेफिनेटली आपके पास वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होते हैं, आप बहुत सारा हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। अगर बहुत ICU सेटिंग में काम करना होता है तो वहाँ पे BSc नर्सिंग को प्रायोरिटी दिया जाता है, अदरवाइज मैक्सिमम हॉस्पिटल में GNM नर्सिंग को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। अगर आप गवर्नमेंट सेटअप में काम करने के बाद बोलेंगे तो इसमें आपको GNM और BSc नर्सिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है और ऑलमोस्ट सेम सैलरी दिया जाता है। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एट प्रेजेंट, लेकिन इन फ्यूचर हो सकते हैं BSc नर्सिंग का अलग पोस्ट क्रिएट हो, लेकिन एज ऑफ नाउ आपको GNM और BSc नर्सिंग ऑलमोस्ट सेम सैलरी होते हैं और सेम काम करना पड़ता है। तो आपके पास GNM करने के बाद एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि आप हायर एजुकेशन भी कर सकते हैं और हॉस्पिटल रिलेटेड कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। बात करें इनकम का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इनकम आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ होते हैं, जैसे आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है आपका सैलरी बढ़ते जाता है और हॉस्पिटल में आप नेगोशिएट कर सकते हैं। जो GNM नर्सिंग स्टूडेंट करने जो स्टूडेंट है GNM करने के बाद आपका सैलरी लगभग
15,000 से 20,000 के बीच में होता है, वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट और कौन सा हॉस्पिटल आप ज्वाइन कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको एक अच्छा हैंडसम सैलरी मिलता है। ड्यूटी अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग शिफ्टिंग ड्यूटी होता है, तो ये टोटली डिपेंड करते हैं कौन सा हॉस्पिटल में आप ज्वाइन कर रहे हैं, उसी के ऊपर आपका सैलरी और आपका वर्कलोड डिपेंड करेगा। आई होप ये वीडियो से आपको GNM के बारे में पूरा नॉलेज मिला है। तो अगर कोई भी डाउट है नीचे कुछ